नवनिर्मित पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय सहित बिछियागंज पनवार थाने का किया गया वर्चुअल लोकार्पण। रीवा सहित मध्य प्रदेश में 1500 से अधिक थानों का एक साथ हुआ उद्घाटन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया वर्चुअल लोकार्पण। रीवा के नवनिर्मित पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय तथा बिछिया और पनवार थाना भवन का आज लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर जिला एवं जोन के विभिन्न पुलिस अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा एवं सतना सांसद गणेश सिंह सहित पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला, राज्य मंत्री प्रदीप पटेल, EDGP KP वेंकटेश्वर राव, संभाग आयुक्त अनिल सुचारी, कलेक्टर मनोज पुष्प, SSP नवनीत भसीन, सतना SP आशुतोष गुप्ता, जिला अध्यक्ष अजय सिंह, विधायक KP त्रिपाठी, जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल एवं CO स्वप्निल वानखेड़े सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी सहित आमजन उपस्थित रहे। आपको बता दें कि आज रीवा IG कार्यालय सहित बिछियागंज पनवार थाने का लोकार्पण किया गया है। साथ ही मध्य प्रदेश में 1500 से अधिक नवीन थानों का वर्चुअल लोकार्पण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के द्वारा किया गया। रीवा के सिरमौर चौराहे के समीप 2,63,00,000 की लागत से सर्व सुविधा युक्त IG कार्यालय का निर्माण कराया गया है, जिसमें विभिन्न हाईटेक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। बता दें कि रीवा का ये जोन कार्यालय रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली जिले का प्रतिनिधित्व करता है। रीवा में 1 नवंबर 1956 को रेंज जोन की शुरुआत की गई थी, जिसका कार्यालय रीवा के सिरमौर चौराहा सहित नवनिर्मित यातायात थाने में लगाया गया। इसके बाद आज नवीन जोन कार्यालय का निर्माण हो चुका है, जिसे सर्व सुविधा युक्त बनाया गया है। इस तरह से बिछिया और पनवार थाने के भी नवीन भवन को सर्व सुविधा युक्त बनाया गया है। प्रस्तुत है कार्यक्रम की एक झलकी सहित सांसद जनार्दन मिश्रा से प्राप्त जानकारी के अंश। काफ़ी प्राउड फील कर रहा हूँ इस प्रिविलेज कि आज पूरे मध्य प्रदेश में करीब 1500 से ज़्यादा भवन और थानों का आज उद्घाटन माननीय भारत सरकार के गृह मंत्री होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री शाह साहब से, अमित शाह साहब से उद्घाटन हो रहा है। साथ ही हमारे मुख्यमंत्री जी भी और हमारे गृह मंत्री जी भी वहाँ उपस्थित रहेंगे, हमारे DG भी उपस्थित रहेंगे। ये भवन जैसे कि बताया गया 262,00,000 रुपये से बनाया और एक नया कॉरपोरेट स्टाइल में बनाया गया है। अंदर पूरा ग्लासेस भी है जो दिखता है ऑफिसेस और जो कर्मचारी काम कर रहे हैं। हमारे रीवा जिला में है, जोन में भी काफ़ी पुलिस भवन अभी भी जर्जर हालत में है। करीब करीब अभी 9 पुलिस स्टेशन के लिए प्रस्ताव अभी भी पेंडिंग है। मेरे जोन में करीब 84 पुलिस स्टेशन है और 60 आउटपोस्ट है, चौकियां हैं और इस तरह 19 सब डिविजन्स भी है। और हमारे फोर्स अगर बताए जाएंगे तो हमारा फोर्स जो है 5000 के करीब फोर्स है चारों ज़िले में, मगर 5000 फोर्स केवल सैंक्शनड है, मगर उपलब्ध है 3800। एज पर अगर आबादी का लेंगे, अगर पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हमको कैलकुलेट करेंगे तो नेशनल एवरेज के हिसाब से 158 पर पर्सनल पर लाख होना चाहिए। इसके हिसाब से हमारा 11,000 बनता है पुलिस पर्सनल जोन में, परंतु हमारे पास 3,800 है, मतलब गैप ऑफ 7,200 है। इसकी प्रस्ताव भी अभी पेंडिंग है। निश्चित रूप से इससे पुलिस कर्मियों में को काम करने में काफ़ी एक अच्छे वातावरण का अनुभव होगा और एक अच्छा वातावरण मानसिक रूप से आदमी को स्वस्थ बनाता है और काम करने में अभिरुचि पैदा करता है और इस दिश से पुलिस की गुणवत्ता में सुधार होगा, विस्तार होगा और उनकी जीवन शैली, जीवन स्तर दोनों सुधरेगा। कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े थे केंद्रीय मंत्री के टीम नीचे कर रहे जी जी हाँ जी हाँ नहीं उनको भी 25,000 आवास बनाने, अभी तो 12,000 बने हैं, 12,000 में रीवा के भी और भी शामिल हैं, वो सब बनेंगे और मध्य प्रदेश सरकार और शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मुझे पूरा भरोसा है कि उन्होंने जो संकल्प व्यक्त किया है कि किसी भी पुलिसकर्मी को बिना आवास के नहीं रहने देंगे, वो संकल्प पूरा करेंगे। पुलिस के अवकाश के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने साप्ताहिक अवकाश की घोषणा की है? अब मध्य प्रदेश सरकार निश्चित रूप से पुलिसकर्मियों के हित में निर्णय ले रही है, वो उनके हित में ही होगा।